बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबीजी उम्मीजी वालिही वसल्लम अलैहि। हजरात, आज की जो बात है वो एक वाक्य की निस्बत से है, तो जो आज मैं बात करना चाहता हूँ वो क्लियर करना चाहता हूँ कि टीचर के मुतल्लिक मेरे क्या ख्याल आते हैं। टीचर जो है ये मुआशरे का सबसे इम्पॉर्टेंट फर्म, सबसे मुहतरम और मेरे ख्याल में MPA MNA से ज़्यादा VIP जो है वो टीचर होना चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए। जो अदारे टीचर का एहतराम करते हैं वही अदारे आगे निकलते हैं। जब टीचर जो है वो प्रीचर बनता है इज्जत भी पाता है और अल्लाह के घर भी सुरखरू होता है। लेकिन जब टीचर जो है वो चीटर बन जाता है, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है, वो रिश्वत लेता है। मसलन जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो AO वगैरह या दूसरे लोग रिश्वत लेते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और झूठे पर्चे करवाते हैं, तो फिर जो है वो टीचर की शान पे बड़ी जो है एक निशान पड़ता है। तो मैं ये चाहूँगा पंजाब टीचर यूनियन को भी कि जो उन्होंने बयान जारी किया, अगर मेरा उससे पहले मुझसे कुछ पूछ लेते कि क्या वाकया है क्या वाकया नहीं है, तो शायद वो ऐसा बयान ना देते। मैं ये चाहूँगा कि जो टीचर कम्युनिटी है वो काली भेड़े जो उनमें हैं जिसकी वजह से टीचर बदनाम हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है तबाह हो गया है, वो सही हो जाए। रही बात एजुकेटर की, तो ये माशाल्लाह मेरा एजुकेटर रैंकिंग में नंबर 1 है। 150 डॉक्टर 15 साल में इसने बनाया है, जबकि पूरे ज़िले ने मेरे अलावा 50 डॉक्टर जो हैं वो मेरिट पे भेजे हैं। यही नहीं, 11 दफ़ा गुजरांवाला बोर्ड में पोजीशन ली है और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल में रवायात हैं, जो नेकी की रवायात हैं वो चलती हैं। तो ये जब छापा पड़ा, AO साहब ने छापा, तो ये 9:03 पर यहाँ पहुँच गए थे। मैं 9:49 पे यहाँ पहुँचा हूँ, तो उस वक्त तक इन्होंने सारी इंस्पेक्शन कर ली थी। जब मैं पहुँचा हूँ तो इनको मैंने बड़ी अदब से एहतराम से यहाँ से फ़र्क किया और चले गए। फिर उन्होंने कहा कि ये फाइल चोरी की है, तो फाइल वाली भी वीडियो मौजूद है और कैमरे ने तो सारा जो झूठ था, इन्हें क्या पता था कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरे इनका सारा झूठ जो है वो सामने ले आया हुआ और इसकी वजह से ये एक्सपोज हो गए हैं। मैं ये चाहता हूँ प्राइवेट स्कूल से भी ये चाहता हूँ कि वो गवर्नमेंट स्कूल सर्विसेज वालों के खिलाफ मुहिम न चलाएं, किसी के खिलाफ कोई बयान ना दें। वो हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि जो हमारे खिलाफ झूठ लिखा गया है उसके लिए CO साहब एक्शन लें, मुराद राज साहब एक्शन लें और वजीर आला साहब एक्शन लें। अगर मैं सच्चा हूं और ये FIR झूठी है तो फौरन इसको ख़त्म किया जाए और उनको करारे वाकई सजा दी जाए। जहां तक मेरा तअल्लुक है, मैंने तो हालांकि 5000 फीस से अबव जो फीस थी उनके लिए था कि वो 20% फ्री करें, मैंने तो 3500 भी फ्री कर दी और सिर्फ अप्रैल में ही नहीं की, मैंने जून की भी फीस जो है वो 20% कम ली है, 3 महीने कम ली है। लोगों के साथ साथ कंधा लगाया हुआ इंशाल्लाह जो है करते रहेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में जितने भी वो एजुकेशनिस्ट हैं वो अपने एहतराम को, अपने कराम को, अपनी इज्जत को बढ़ाएं, और बढ़ाएंगे कैसे कि वो ईमानदार हों, वो मेहनत करें। और मैं तो ये चाहता हूँ कि टीचर जो है उसकी 1 लाख से भी ज़्यादा तनख्वाह हो, उसकी डॉक्टर से भी ज़्यादा तनख्वाह हो, ताकि ज़हीन तबका जो है वो टीचिंग में आए। और आपको एक बात बता दूं, किसी सियासतदान से, किसी हुक्मरान से, किसी तरीके से चेंज नहीं आ सकती जब तक टीचर चेंज नहीं होगा। टीचर ईमानदार होगा, मेहनती होगा, इखलाकियात वाला होगा, अच्छे मामलत वाला होगा और नॉलेज वाला होगा, वही कौम को सीधे रास्ते पर चला सकता है। मेहरबानी, शुक्रिया।